हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। आज हम बात करेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो बीए के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सोशोलॉजी लिया है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के। तो फर्स्ट सेमेस्टर का बीए में सोशोलॉजी का सब्जेक्ट क्या है डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, आइए इसको देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो डीडीयू है जो अपना सिलेबस यहाँ पर डिफाइन करता है वो कोर्स कोड के अकॉर्डिंग होता है। कोर्स कोड मतलब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में कोड आपका 100 चलेगा, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो कोड आपका 200 चलेगा, और अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो कोड आपका यहाँ पर 300 चलेगा। तो फिलहाल हमको यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का ही करना है, यानी कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में पढ़ना है। तो कोड 100 में ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कोड हैं। ठीक है, पहली बात आप लोगों को ध्यान देना है कि कोर्स कोड 101। पहले हम देखते हैं कि कितने कोड पढ़ने हैं, क्योंकि कोड कोड जो 100 है, 100 की जितनी भी यहाँ पर अपने कोड होंगे 101, जैसे 100 के अंतर्गत 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है कि जितने भी कोड हैं 100 के अंतर्गत उसमें से कितने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं और कितने आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो कोर्स कोड 101 आपको पहला पढ़ना है, पहला जो कोर्स है बच्चों वो आपको 101 पढ़ना है। इसमें आपको होगा कोर्स टाइटल है आपका इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी। ठीक है, इसके जो टॉपिक हैं यूनिट एक में आपका इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी, यानी कि सोशोलॉजी का जो आपका उद्भव हुआ वो कैसे हुआ। सेकेंड यूनिट है आपकी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, जिसमें डिफरेंस एंड इनइक्वालिटी इन सोसाइटी है। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेट रियलिटी एंड स्पेशल रेफरेंस टू फैमिली नेबरहुड रिलेशंस, यहाँ पर एक प्रकार से समाज कैसे विकसित हुआ, समाज में कौन कौन से मतलब उसकी रियलिटी क्या है, समाज की समझ कैसे होनी चाहिए, किसके बीच संबंध होते हैं, परिवार के बीच क्या संबंध है, संबंध पड़ोसियों से क्या होते हैं, इस पहली यूनिट में आपका डिस्कस किया गया है। एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है सोशोलॉजी की वो आपको यहाँ पर दी गई है, यानी कि इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी मतलब कहाँ से शुरुआत होती है इसकी। लेकिन अब आप कहेंगे यहाँ पे क्रेडिट जो दो दिया है इसका मतलब क्या है, यानी कि ये पहला पेपर है आपका इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी का, आपका पहला पेपर है, इसमें क्रेडिट दो का मतलब है कि ये पेपर आपका कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है सर, आप कहेंगे कि सर क्या हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कंपलसरी का मतलब जो हमें पढ़ना हो वही होता है, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है मतलब किसको पढ़ना है। तो बच्चों ध्यान देना, ये जो पहला पेपर है इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी का, ये उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ना है जिनका सब्जेक्ट बेसिक मेजर है, जिनका सोशोलॉजी सब्जेक्ट बेसिक मेजर में आता है, ये उन्हीं को पढ़ना है। आप कहेंगे सर ये बेसिक मेजर क्या होता है, हर एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। बच्चों बेसिक मेजर मान लीजिए आपके तीन मेजर सब्जेक्ट हैं, आपने पहले मेजर सब्जेक्ट में चुना आपने यहाँ पर सोशोलॉजी, फिर हिंदी, और फिर यहाँ पर आपने पॉलिटिकल साइंस, ये तीन आपने सब्जेक्ट चुने। तो सोशोलॉजी आपने फर्स्ट यहाँ पे प्रेफरेंस दी है सोशोलॉजी को, तो ये आपका बेसिक मेजर हुआ। अगर आपने हिस्ट्री को पहली प्रेफरेंस दी होती तो आपका हिस्ट्री यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर बेसिक मेजर होता। तो मेजर तीन मेजर में से आप पहले नंबर पे किसको रखते हैं वो आपका बेसिक मेजर होता है। ठीक है, और अगर आपको बेसिक मेजर सब्जेक्ट सोशोलॉजी है, यानी कि पहले नंबर पे तीन मेजर में से पहले नंबर पे आपने मेजर रखा है सोशोलॉजी को, तो आपको ये पेपर पढ़ना है। अगर आपने सोशोलॉजी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं दिया है मेजर सब्जेक्ट में तो आपको ये पेपर नहीं पढ़ना है, बस सिंपल सा यहाँ पर फंडा है। इसके बाद यूनिट जब हम थर्ड में आते हैं तो रिलेवेंस ऑफ सोशोलॉजी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो जो समकालीन भारत है, समकालीन भारत में सोशोलॉजी कितना प्रासंगिक है, इसके बारे में एक यूनिट है जहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें यूज़ ऑफ सोशोलॉजिकल नॉलेज एंड रूरल डेवलपमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ विद फोकस ऑन चिल्ड्रन वेमेन एंड एज्ड, चाहे हम बच्चों की बात करें, चाहे यहाँ पर महिलाओं की बात करें, चाहे वरिष्ठ लोगों की बात करें, उसके बारे में कैसे समाज सोचता है, समाज की वेलफेयर एक्टिविटीज़ क्या हैं जो इन लोगों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं, इसके बारे में यहाँ पर यूनिट थर्ड में आपको बताया जाएगा। यूनिट चार में आएंगे तो डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो समाजशास्त्र है उसका उत्तर प्रदेश में कैसे विकास हुआ, हिस्ट्री क्या है इसका, इतिहास क्या रहा, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशोलॉजी इसका कंट्रीब्यूशन विद क्या रहा, योगदान क्या रहा, डिपार्टमेंट क्या है,
डिपार्टमेंट डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट सोशियोलॉजी इन उत्तर प्रदेश है इसको डिस्कस किया जाएगा यूनिट चार में। इसके बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ही सेकेंड पेपर होगा, यहाँ पर कोर्स 102 के अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी फर्स्ट, ध्यान देना ये पहला पेपर होगा। पहला पेपर उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से है जिनका बेसिक मेजर सोशियोलॉजी नहीं था, जिनका बेसिक मेजर सोशियोलॉजी था उनके लिए सेकेंड पेपर है। लेकिन ये दोनों पेपर, पेपर 102 103 कंपलसरी हैं, क्योंकि यहाँ पर वो बच्चे भी पढ़ेंगे जिन्होंने बेसिक मेजर लिया है, यहाँ पर वो बच्चे भी पढ़ेंगे जिन्होंने बेसिक मेजर नहीं लिया है, ये किसी को भी ड्रॉप नहीं करने हैं। तो ये क्रेडिट 3 इसी वजह से यहाँ पे दिया हुआ है। यूनिट फर्स्ट में क्या है, सोशियोलॉजी मीनिंग क्या है, स्कोप इसका अर्थ क्या है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इसका क्षेत्र क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ कॉमन सेंस, बहुत ही साधारण रूप से अगर देखें तो सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, सोशियोलॉजी एज अ साइंस एक विज्ञान के रूप में इसका मतलब हुआ, एक विज्ञान के रूप में अगर हम किसी भी विषय को लेते हैं तो उसका मतलब हुआ कि उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, हिस्ट्री ऑफ इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, इसका इतिहास क्या रहा है, भारत में कैसे उद्भव हुआ, यहाँ पर समाजशास्त्र का उसके बारे में जानकारी मिलेगी। यूनिट सेकंड में आएंगे आपको सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस में क्या सब्जेक्ट है, संबंध है, इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। मतलब समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, इसके बारे में आपको यूनिट सेकंड में जानकारी मिलेगी। इसके बाद आएगा थर्ड यूनिट में बेसिक कॉन्सेप्ट सोसाइटी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशन सोशल ग्रुप ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे जैसे समाज हुआ, जैसे कुछ कम्युनिटीज़ हुई, कुछ समुदाय हुए, कुछ संस्थाएं हुई, कुछ एसोसिएशन हुए, कुछ संगठन हुए, कुछ सामाजिक यहाँ पर आपके ग्रुप हुए, कुछ ह्यूमन एंड एनिमल यहाँ पर सोसाइटी होती हैं। हम देखते हैं कि अगर हम गौशाला में चले जाएँ तो वहाँ पर सिर्फ गाय गाय मिलेंगी, वो भी एक सोसाइटी के रूप में वहाँ पर जो काम किया जाता है सोसाइटी के रूप में होता है। इसके बाद आता है सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, फैमिली, अगर हम सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनके बारे में जब जानकारी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम समाज में रहते हैं, उस समाज में हमारा परिवार है, उस परिवार में हमारे रिश्तेदार हैं, किनशिप है, मैरिज है, मैरिज होती है, रिलीजन होता है, धर्म होता है, तो समाज में जितनी भी संस्थाओं के रूप में काम करते हैं, परिवार हमारी संस्था के रूप में काम करती है। बच्चों जो हमारा रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी भी एक संस्था के रूप में है, मैरिज होती है, किसी से हम संस्थात्मक रूप से यहाँ पर जुड़ते हैं, अगर धर्म है हमारा एक संस्था है अपनी, इसके बारे में आपको पेपर सेकंड में जानकारी मिलेगी, यानी कि कोर्स कोड 102 के अंतर्गत। और इसका जो थर्ड पेपर होगा यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो लास्ट पेपर है वो आपका होगा इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी सेकंड। इसके पहले क्या पढ़ा आपने, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी फर्स्ट, यानी कि जो 102 कोड में आपने सोशियोलॉजी इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी फर्स्ट पढ़ा, यहाँ पे आप सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है। इसका यूनिट फर्स्ट है कि कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। इसके बाद है प्लूरलिज्म जो आपका बहुलवाद है, मल्टी कल्चरलिज्म जो आपका बहुसांस्कृतिक है वो, कल्चरल रिलेटिविज्म जो आपकी संस्कृति की जो सापेक्षता है उसके बारे में जानकारी होगी। आप सेकेंड यूनिट में आएंगे, जानकारी करेंगे सोशियो कल्चर प्रोसेस की, यहाँ पे सोशियो कल्चर प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया क्या हुई सोशियो कल्चर की। उसके बाद कोऑपरेशन होगा, कंपटीशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, अकल्चुरेशन होगा। इसके बाद एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन, क्या आपने आत्मसात किया है इस बेसिक कॉन्सेप्ट में सोशियोलॉजी के, क्या एकीकरण की भावना सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में आएंगे सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना कैसी है, स्टेटस क्या है, इसका रोल क्या है, इसके नॉर्म्स क्या हैं, इसके फोकवेज क्या हैं, मोर्स क्या हैं, सैंक्शंस एंड वैल्यूज क्या हैं, इन सब के बारे में आप जानकारी करेंगे। इसके बाद जब यूनिट चार में आएंगे आपको पता चलेगा कि सोशल डिफरेंशिएशन क्या होता है एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, सोशल मोबिलिटी क्या होती है, मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार हैं, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये आपका जो डिस्कशन मैंने किया ये आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का ही है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर हमने डिस्कशन कर लिया है। तो आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बताना था तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करते हुए इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं वो भी
अपने सिलेबस को अच्छे से समझ सके, क्योंकि DDU का सिलेबस बहुत ही मतलब बच्चों को लगता है कठिन है नहीं, बस समझने की बारी रहती है। तो फिलहाल आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।